आज की हमारी रेसिपी है बंगाली मिक्स वेज रेसिपी, जिसे लाबड़ा भी बुलाते हैं। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि सबका देखें। हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इजी कुकिंग में। आज की हमारी रेसिपी है मिक्स वेज, बंगाली मिक्स वेज। यहाँ पर लिया है एक बैगन, एक केला लिया है, साथ में एक मूली ली है, यहाँ पे दो परमल लिए हैं, यहाँ पे 100 ग्राम मैंने कद्दू लिया है, एक पाव मैंने बरबटी ली है, एक पाव कद्दू भी लिया है, आधा किलो मैंने फूलगोभी ली है, साथ में 3 आलू लिए हैं। और यहाँ पे सभी को हमने मीडियम पीसेस में कट करके धो लिया है अच्छे से। साथ ही यहाँ पे मैंने भीगा हुआ मटर लिया है, और यहाँ पे बड़ी ली है मैंने। साथ ही हमने एक टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया ले लिया है। यहाँ पे 5 फोरन तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च लिया है। यहाँ पे सबसे पहले हम कढ़ाई को गरम करेंगे और उसमें 1 चम्मच जीरा को भून लेंगे, ड्राई रोस्ट करना है। तो यहाँ पे जीरा को भून लीजिए, जब जीरा अच्छे से चटक जाए, बिना ऑयल डाले ही भूनना है, जब अच्छे से चटक जाए, खुशबू निकल जाए, तब हम जीरे को यहाँ निकाल लेंगे। इसका हमें पाउडर बना लेना है जब ठंडा हो जाए। साथ ही यहाँ पे मैं 5 से 6 चम्मच में सरसों का ऑयल ऐड कर रही हूँ। तेल गरम होने के बाद इसमें हम जो बड़ी है, यहाँ पे उड़द की दाल की बड़ी है, इसे हम फ्राई कर लेंगे। बहुत जल्दी फ्राई कर लीजिए, बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, जल जाता है बहुत जल्दी। तो इसे हम 30 से 40 सेकंड के अंदर हम फ्राई करके इसे हम निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पे तेल गरम है, मैंने उसमें तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च ऐड कर दिया है। थोड़ा सा चटकने के बाद में हम इसमें 5 फोरन ऐड कर देंगे। ये हमारा शॉप वगैरह, जनरल शॉप में मिल जाता है, और नहीं तो आप जीरा, सरसों, राई, सौंफ, ये सब डाल के आप 5 फोरन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा 5 फोरन चटक चुका है, अच्छी खुशबू आ गई है। इसमें हम धीरे धीरे वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने फूलगोभी बरबट्टी थोड़ा ऐड कर दिया है, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें फिर हम लोग केला, परमल ऐड करेंगे, साथ में आलू भी ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा चलाते हुए फिर हम सभी को ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप सभी प्रकार की सब्जी ले सकते हैं। अभी अगर आप इसमें पालक वगैरह ऐड करना चाहते हैं, उपवी शाक ऐड करना चाहते हैं, तो भी ऐड कर सकते हैं। मैं नॉर्मल सब्जियों के साथ बना रही हूँ, इसमें पत्तों वाला सब्जी मैंने ऐड नहीं किया है। इन सभी को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हमने 1 चम्मच हल्दी ऐड किया है, साथ ही स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने इसमें 1 कटा हुआ टमाटर ऐड कर दिया है, और जो हमारी बारीक कटी हुई हरी मिर्च थी, हरी मिर्च को मैंने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है, तो इसी उसे भी ऐड कर देंगे। अब सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे अभी हमने मटर ऐड नहीं किया है, थोड़ी देर पकने के बाद में 1 से 2 मिनट बाद हम मटर को ऐड करेंगे। यहाँ पे अच्छे से हमने सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी 2 मिनट हम ढक के थोड़ा सा पका लेंगे। 2 मिनट बाद हम देखेंगे थोड़ा सा सब्जी सॉफ्ट हो रही है, तो हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। उसके बाद इसमें हम मटर को ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही आराम से बन जाता है, खाने में बहुत टेस्टी है। इसमें बिना पानी डाले हमको सब्जी को स्लो आंच पे पकाना है। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा कि थोड़ा सब्जी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और बहुत ज़्यादा हमको इसमें पानी नहीं ऐड करना है। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे, इसे स्लो आंच पे ही ढक के हमको पका लेना है। यहाँ पे मटर को भी मैंने ऐड कर दिया है, और इसे हम अब ढक के पका लेंगे। बीच बीच में चाहे तो आप चला भी सकते हैं, चला के देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे 8 से 9 मिनट बाद आप देख सकते हैं, जितना सब्जी में जो पानी था वो निकल चुका है, और ऑलमोस्ट मेरी सब्जी पक चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। और इसे इसी तरह से हम चलाते हुए पकाएंगे। अब मैं इसे ढक के नहीं पकाऊंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जी सॉफ्ट हो चुकी है, और आलू सब्जी वगैरह जो वो पक चुके हैं। साथ ही यहाँ पे हम फ्राई किया हुआ बड़ी ऐड कर देंगे, ये उड़द दाल की बड़ी है, बड़ी को ऐड कर दिया है, और अच्छे से हम अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे बिना ढक के ही हमको पकाना है, इसे चलाते हुए पकाना है। जो भी
पानी है जो भी वाटर है उसे हमको अब सोक कर लेना है। और आप चाहें तो थोड़ा सा इसको मैश करते हुए भी पका सकते हैं, थोड़ा सा दबाते हुए भी इसको चला लीजिए तो सब्जी अच्छे गल जाएगी। साथ ही यहाँ पे भुना हुआ जीरा था उसका मैंने पाउडर बना के ऐड कर लिया है, बिना पानी डाले मैंने पाउडर बनाया है और इसे भी हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे ऑलमोस्ट पानी पूरा सोख हो चुका है, इसी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। साथ ही इसमें हम चुटकी भर शक्कर ऐड करेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसी तरीके से अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, 10 से 15 मिनट में बनके रेडी हो जाता है और गर्मा गर्म चावल रोटी के साथ में पराठे के साथ में खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग भी इसे बनाइए, खाइए और कमेंट करके बताइए कैसा बना है। यहाँ मेरी सब्जी बनके रेडी है गर्मा गर्म चावल रोटी पराठे के साथ खाने के लिए। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।